अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एफबीआर के टॉप 200 एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 1 आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया गया है। बाकी पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप रोज की बुनियाद पे एक पार्ट तैयार करेंगे, इंशाल्लाह फाइनल तक आप 100% तैयार हो जाएंगे। व्हेन वॉज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फाउंडेड, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बुनियाद कब रखी गई थी? 1 अप्रैल 1924 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिकम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय द इनेक्टमेंट ऑफ डैश, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की निफास से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब बना? तो याद रखें FBR एक्ट 2007 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। CBR स्टैंड्स फॉर डैश, तो CBR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इनकम टैक्स इज ए डैश, तो इनकम टैक्स एक डैश है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डायरेक्ट टैक्स। FBR इम्पोज डैश रेगुलेटरी ड्यूटी ऑन मोटर स्प्राइट्स इम्पोर्ट, FBR ने मोटर स्प्रेड की दरामद पर डैश रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी, तो FBR ने 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की है। सैलरी इनकम इज एग्जेम्प्ट अप टू डैश, तनख्वाह की आमदनी डैश तक मुस्तस्ना है, तो 6 लाख इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑल प्रॉपर्टीज एसेट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वॉज ट्रांसफर टू डैश बाय द इनएक्टमेंट ऑफ FBR एक्ट 2007, CBR ने अपना तमाम दर डेटा FBR में ट्रांसफर किया 2007 के एक्ट के तहत। FBR इज अंडर द रेवेन्यू डिवीजन ऑफ डैश, तो FBR डैश के रेवेन्यू डिवीजन के तहत है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। RTOs means, तो RTOs का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेगुलर टैक्स ऑफिसर्स, बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। द टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान इज ऑपरेटिंग ऑन, तो पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम चल रहा है, तो इन तमाम तर ऑप्शन के तहत पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम चल रहा है। TAMS stems means, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टैक्स ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम। The revenue division was abolished in dash, तो revenue division को dash में खत्म किया गया है। याद रखें January 1995 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। The federal consolidated fund constitute dash, federal consolidated fund तश्कील देता है federal government revenues, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। In the FBR Act 2007, official law means law related to FBR 2007 Act में मालियाती कवानीन का मतलब है मुतलका कवानीन में से कौन सा? ये तो आप सभी को पता होगा, टैक्सेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR इज अंडर द रेवेन्यू डिवीजन ऑफ डैश, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन नहायत ही इंपॉर्टेंट हैं। द करंट चेयरमैन ऑफ FBR इज, तो FBR के मौजूदा चेयरमैन कौन है? मलिक अमजद जुबैर ताइवाना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। LTUS in FBR means dash taxpayer unit, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये लार्ज टैक्सपेयर यूनिट्स हैं। RTOs in FBR means, तो RTOs का क्या मतलब है FBR में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेगुलर टैक्स ऑफिसर। Which of the following are called domestic taxes? मंदरजा ज़ैल में से किन को घरेलू टैक्सेस कहा जाता है? तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये तमाम तर टैक्सेस जो है डोमेस्टिक टैक्सेस में काउंट होते हैं। डोमेस्टिक टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय FBR। FBR की तरफ से इकट्ठे होने वाले रेवेन्यू का तकरीबन डैश डोमेस्टिक टैक्सेस में होते हैं, तो 90% डोमेस्टिक टैक्सेस होते हैं।